हमारे साथ भाजपा से कोटद्वार की प्रत्याशी ऋतु खंडूरी है, उनसे बात करेंगे। मैम, इस बार नई सीट, नई चुनौती, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनौती तो चुनौती होती है, कहीं की भी हो, नई हो सीट, पुरानी सीट हो, चुनौती होती ही है। और मैं और मेरा संगठन उस चुनौती को के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है, एक सैनिक की पुत्री हूँ, उस चुनौती को पूरा सीना ठोक के लड़ेंगे और जीतेंगे। एक मैम, एक सवाल ये भी है कि 2012 में भी ऐसी स्थिति बनी थी कि सरकार बनाने के लिए कोटद्वार सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी, और एक बार 2022 में भी वो स्थिति है। आप ये कहा जा सकता है कि पिता का बदला लेने के लिए पुत्री को उतारा गया, तो लगता है कि बदला पूरा हो पाएगा? देखिए, मैं इस तरह के शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना मेरे परिवार में इस तरह का संस्कार है कि मैं बदले की बात करूँ या लड़ाई झगड़े की बात करूँ। आपको जानना चाहिए कि कोटद्वार की वजह से मेरे पिताजी बार बार MP बने हैं, सांसद बने हैं पौड़ी से, तो बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम कोटद्वार की जनता से मिला है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे भी मिलेगा, मेरे सरकार की कार्यशैली को मिलेगा, हमारी विकास की सोच को मिलेगा, महिलाओं के सम्मान को मिलेगा, सैनिकों के सम्मान को मिलेगा, किसानों के सम्मान को मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईमानदारी से, निष्ठा से मेरी सरकार ने 5 साल काम किया है, और इस वजह से दोबारा से कमल खिलेगा। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा है कि अगर आपको जीतकर आप विधानसभा पहुंचती हैं, तो सबसे पहले कौन से विकास कार्य करेंगे उस क्षेत्र? देखिए, उस क्षेत्र में बहुत सारे इश्यूज हैं, और सबसे मेन इशू जो मुझे अभी पता चला है वो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो उसकी वजह से काफ़ी वहाँ दिक्कतें हैं। तो ऐसी और भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी जो हम लेके विधानसभा तक जाएंगे। कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती चुनौती होती है, छोटी हो बड़ी हो, चुनौती है, उस चुनौती को हम, मैंने जैसे बोला कि हम टक्कर देंगे और ज़बरदस्त टक्कर देंगे। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ ऋतु खंडूरी, जिन्होंने बताया कि कोटद्वार की वो तस्वीर बदल देंगी यदि वो जीत कर विधानसभा पहुंचती हैं। तो देखना होगा कि कोटद्वार से जीत के बाद किस तरीके से कोटद्वार की ऋतु खंडूरी तस्वीर बदलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर विश के साथ सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून।